बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के इस ब्लॉग का करते हैं आगाज़। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है, पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बादल बने हुए हैं, क्या पता बारिश हो। और मैं आया हूँ अपने पास वाले विलेज पे, यहाँ पे एक दोस्त की शादी है। शादियों का सीज़न है तो हर तरफ शादियाँ ही शादियाँ। यह इस हफ्ते की दूसरी शादी है और इस हफ्ते में एक शादी अभी होना बाकी है, वो भी दोस्त की फ्रेंड की है, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी होगा। और ये बहुत प्यारा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पुरसुकून माहौल, सरसब्ज और शादाब खेत। तो अभी चलते हैं जहाँ पे देग वगैरह बन रहे, तो वो भी देखते हैं, दूल्हे से भी मिलते हैं और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, आप लोग को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज कैसे इंटरेस्टिंग व्लॉग का। देखिए यहाँ पे देख बन रहे हैं, ये तीन बन के रेडी हो गए और उसमें सालन बनेगा। ये तो हमारे आने से पहले बन गए हैं। ये भाईजान लगे हुए बना रहे हैं। देखिए पूरा माहौल, इलाका बहुत ज़्यादा प्यारा है, विलेज का इलाका है। और ये शादी का घर है, इस घर में शादी है और इसके बाद जाएंगे दूल्हे की तरफ, वो वहाँ पे घर है। तो अंदर प्रोग्राम किया गया है बारिश की वजह से, कि बारिश रंग में भंग ना डाले। क्या हो रहा है, चावल खा रहे हो? खाओ। बच्चा जो है वो खाने में मसरूफ, खा लो। वाह वाह, अपने मामू के हाथ से खा रहे, मेरे हाथ से नहीं खाना है, बड़े शैतान हो। मौसम के क्या कहने, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर बादल और पहाड़ी इलाका, सरसब्ज और शादाब खेत, माशाल्लाह। गांव की मुझे सबसे ज्यादा ये चीज पसंद है, जब बादल बने हुए हो, ये खेत इतने प्यारे लगते हैं ना, बहुत ज्यादा। पहाड़ को हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, देखिए देगे वगैरह पक रही तो देख लेते हैं। देखे तो हेर पक गई है, बस सालन पकना बाकी है। वो भाईजान जो है वो चावल रेडी कर रहे हैं, जो गांव के लोग हैं तो बस ये उधर पहुंचाए जा रहे हैं, जैसे लोग आते तो सर्व किए जाते हैं। जबरदस्त जी, और इसको पकने के लिए बस छोड़ दिया, 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। बस जैसे ही जो लोग आते हैं तो डायरेक्ट उधर चलते हैं खाने के लिए। यहाँ पे खाना जो है वो स्टार्ट है, ये भाईजान जो है वो खाना सर्व कर रहे हैं, देखिए। और वो रहे दुल्हा भाई और उसके साथ भाई।
अभी बजाएंगे ये लोग ढोल की, ये आ गए जी, और मेहमानों की आमद अभी भी जारी है। थोड़ा सफर कर लो, अजान हो जाए तो फिर चलो बजाओ, फिर बजाओ। ये चुप्पी पठानों का एक खास आवाज है, ये बुला रहे भाई, उसको मैं गा रहे चल, कुछ लोग समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी खा लिया है, और ये जो ढोलकी आप लोगों ने सुनी तो ये पठानों का एक रिवाज होता है कि जिस घर में शादी होती है तो ये आ जाते हैं, और कुछ इस तरीके से। शायद कुछ लोगों को ये समझ ना आया हो क्योंकि वो पश्तों में गा रहे थे, ठीक है। और बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और अभी जो है सूरज भी निकल चुका है, मैं दिखाऊँ, आए हाय बादल अब जाने को है, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है। बस अब थोड़ी देर तक फिर इंशाल्लाह यहाँ से वापसी करेंगे जी।